क्या पिछली बार इंटेंसिव ऑपरेशन अगेंस्ट थीव्स स्टार्ट किया था, जिसका नाम रखा था इंटेंसिव ड्राइव अगेंस्ट थीव्स सांबा जिले के अंदर, क्योंकि चोरियों के मामले हुए थे और कुछ अनसुलझे पड़े थे। तो लोगों को इस प्रकार की आशंका थी कि वो चोरियां ना हो जाएं, लोगों को इस प्रकार के भी कुछ प्रश्न थे लोगों के मन में कि पुलिस कैसे करेगी, कब करेगी, कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी इनको साल। तो अभी पुलिस ने अभियान छेड़ा है चोरों के विरुद्ध और अभी तक 15 चोर तथा जो जो बेईमानी से चोरी का सामान खरीदने वाले हैं उनको पकड़ा है। और इसमें जिसकी मैं आपसे ये जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें 2 और चोरी के मामले सुलझे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा चोरी का मामला भी शामिल है, जिसमें जेवरात, गहने, सोने और चांदी के चोरी हुए थे और बरामद किए गए हैं। कैश भी बरामद हुआ है और प्रोफेशनल चोरों का जो गैंग था वह भी भ्रष्ट हुआ है। एक नहीं अपितु दो, एक और चोरों का गिरोह जो है सक्रिय था बड़ी ब्रह्मणा एरिया में, उसको भी उसका भी बंडा फोड़ कर दिया गया है, उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि कैसे हुआ और कितना। अभी इसमें टोटल 6 चोर तथा जो डिसऑनेस्ट रिसीवर्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है उनको गिरफ्तार किया गया है और टोटल 24 तोला सोना, सोने के जेवरात और चांदी के जेवरात, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख बनती है, रिकवर किए गए हैं, बरामद किए गए हैं। और कैश 11,860 रुपये है जो बरामद हुआ है। मोबाइल फोन्स हैं जिनकी कीमत लगभग 35,000 बनती है। और चोर सब डिवीज़न बड़ी ब्राह्मणा में DSP वहाँ पे STPO राहुल नागर साहब हैं और सुनील शर्मा साहब वहाँ पे SHO हैं। इनकी टीम ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पे 3 चोरों तथा डिसऑनेस्ट रिसीवर्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी को गिरफ्तार किया है। 2 सक्रिय चोर थे, प्रोफेशनल चोर थे, बहुत दूर से आकर के वहाँ पे सक्रिय थे, रियासी जिले के अरनास के एरियाज में, वहाँ से भी दूर गांव में भी रहते थे। ये कंठन गांव है, कंठान से ये आकर रियासी से होते हुए जम्मू में और जम्मू से आकर के यहाँ सांबा में चोरियाँ करते थे और किसी को नहीं लगता था कि इतनी दूर से आकर के ये चोरियाँ होती होंगी और उनको कोई पकड़ पाएगा। ये बड़ा प्रोफेशनल ढंग से पकड़े गए हैं और चोर भी प्रोफेशनल चोर थे। तो ये और भी आगे बहुत कुछ बता सकते हैं, गहन पूछताछ चल रही है इस समय, उसका खुलासा करना से ही नहीं होगा कि किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे मोहम्मद उस्मान DSP हेडक्वार्टर्स हैं, इनकी सुपरविजन में इंस्पेक्टर दीपक जसरोटिया जो यहाँ पे सांबा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी हैं, और उनके साथ अभीर साहब, अभीर तिजम्मल PSI हैं, सब इंस्पेक्टर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन्होंने भी चोर पकड़े हैं और इन्होंने जो चोर पकड़े हैं वो साथ में विक्रांत कोतवाल, इन्होंने 3 पकड़े हैं, सब डिवीज़न बड़ी ब्रह्मणा वालों ने 3 पकड़े हैं, टोटल 6। और इन्होंने जो पकड़े हैं वे भी एक बड़ा गिरोह था और अभी उसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये बहुत सी चोरियां सांबा जिले में ही नहीं, जम्मू में भी और कठुआ में भी हो चुकी हैं इसी प्रकार की, एक ही प्रकार की मोडस ऑपरेंडी, एक ही प्रकार के गहने
ये ले जाते थे, कैश ले जाते थे और दिन दिहाड़े ये पूरा रेकी करते रहते थे किसी घरों के, किसी कॉलोनी में किसी के घरों के, कि जो ही कोई शादी ब्याह में गया, किसी फंक्शन में गया, घर वाले आगे पीछे जाते हैं, कोई सत्संग में महिलाएं जाती हैं तो घर जैसे भी सुना, जैसे ही सुना होता था तो ये अंदर जाते थे और अंदर से चोरी करके खास चीज़ ही लेते थे। बड़ी बड़ी चीज़ नहीं लेते जहाँ पे कोई पता नहीं चलता, तो ये लेते थे। और इसमें भी गहन पूछताछ के बाद ऐसी आशा है कि कुछ और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी सांबा जिले के अंदर जितनी भी चोरियां हुई हैं निकट भविष्य में उन सब को सुलझाने पर तुले हुए हैं पुलिस वाले। और सभी पुलिस वाले केवल इतना ही नहीं, अब मैंने सभी पुलिस अधिकारियों को ये बता दिया है कि जो डिसऑनेस्ट रिसीवर्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है उनको भी गिरफ्तार किया जाए धारा 411 आईपीसी में और सलाखों के पीछे रखा जाए। क्योंकि यदि किसी के पास, दुकानदार के पास, गहने बनाने वाले के पास या कुआड़ी के पास कोई आता है या किसी को मोबाइल देता है 50,000 का 2,000 में, तो उसको ये लगना चाहिए कि संदेह उत्पन्न होना चाहिए और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। यदि वो वह गलती से ले भी लेता है तब भी उसको शक पड़ने पर पुलिस को बताना चाहिए। यदि नहीं बताता, उसको ये प्रतीत भी हो रहा है कि सस्ता है, इसकी कीमत अधिक हो सकती है लेकिन ये सस्ते दाम में दे रहा है, तो उसका ये नैतिक कर्तव्य बनता है भारत के नागरिक होने के नाते कि पुलिस को बता दे कि ये संदिग्ध हो सकता है व्यक्ति, इसको गिरफ्तार कर ले। ये मैं आपके माध्यम से सांबा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पुलिस का साथ दें। सांबा जिले के अंदर ना कोई चोर बिना गिरफ्तारी रहेगा, बिना एक्शन रहेगा, और ना ही सांबा जिले के अंदर कोई हीरोइन बेचने वाला या कोई ड्रग्स बेचने वाला या कोई और गोरख धंधा करने वाला यहाँ पे बचेगा। नीति बड़ी स्पष्ट है, निर्देश बड़े क्लियर हैं। तो ये जो डिसऑनेस्ट रिसीवर्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये इनको बता दिया गया है कि ये देख लें कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे हैं, और ये जहाँ जहाँ भी मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर। ये कुछ इसमें से ऐसे हैं और लगभग 4 ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज